जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने एनेक्सी भवन के सभागार में विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने गांव में विद्युत कनेक्शन पर वीसी सखी को 1% कमीशन दिया जाए, जिससे कि गांव में सभी लोगों का बिजली का बिल जमा हो सके। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर कार्य करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा 133 करोड़ बिजली का बिल बकाया गया, सभी बकाया बिजली बिल को अभियान चलाकर जमा करवाया जाए। सभी विद्युत विभाग के जेई, तहसीलदार, नायब तहसीलदार से समन्वय स्थापित करें, उसके बाद माइक्रो प्लान बनाकर मोहल्ले व गांव में बकाया बिजली बिल के खिलाफ अभियान चलाकर जमा करवाया जाए। इस अवसर पर एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, अधिशासी अभियंता सोमदत्त शर्मा सहित अन्य विद्युत विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। उसका दूसरा तरीका ये है कि आप आरसी का मिलान करा दें। मिलान का आप लोग टाइम टेबल जारी करते हैं, आपको मिलान कराने के लिए जेई से नीचे का अवर अभियंता से नीचे का अधिकारी भी भेजना है। आरसी नहीं है, दोबारा भेजी जाएगी या वसूल हो गई होगी, कुछ ऐसे बात होगी तो ऐसा कर पाएंगे आप लोग? जेई साहब को बताएं, उनका कोई अनुभव हो तब हमारे से पुराने तमाम लोग होंगे यहाँ पे, आरसी की वसूली को लेकर के कोई किसी का अनुभव हो, कहीं मिलान कराने गया हो तो बताए। कम्युनिकेशन रखे इसलिए कि वहां जब मैं तहसीलों में जाता हूँ तहसील की वजह से, वहां पे भी मैंने ये बात रखी है कि मिलान हुए बगैर एक्चुअल आरसी नहीं मालूम होगी। हमारे पास ऐसे 30-40 पत्र तो सामने रखे, लेकिन ऐसे सैकड़ों पत्र हैं जिसमें एक तो जैसे आरसी अगर बड़े अमाउंट की थी बाद में रिवाइज होकर के छोटा हो गया, नंबर एक। दूसरा, ढेर सारे प्रकरण ऐसे हैं डबल आरसी जारी हो गई है। तीसरा, ऐसे प्रकरण हैं जिसमें आरसी में अमाउंट की जगह मोबाइल नंबर पड़ गया है, ठीक। तो अब आप सोच सकते हैं कि अगर अमाउंट की जगह मोबाइल नंबर पड़ गया है उस आरसी की मात्रा कितनी बड़ी हो जाएगी ना, और उन्हीं बड़ी के चक्कर में हो सकता है हमारा ये 137 करोड़ रुपए हो गया। भाई 137 के बाद 7 वो पड़ेंगे ना, 7 जीरो तो 10 जीरो हो गए इसमें, तो कुछ त्रुटियां ऐसी हुई हैं। मेरा यहाँ आने का केवल यही उद्देश्य था आपको सेंसिटाइज कर दें। मैं हर जगह जो तरीका अपनाता हूँ वो तरीका आपके साथ भी चाहता हूँ। प्रत्येक खंड का एक आप व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे, प्रत्येक खंड का जो भी नाम है व्हाट्सएप ग्रुप, और जैसे जी सर, जी सर, हमारे जनपद में अभी जो आरसी दिखाई पड़ रही थी माननीय मुख्य सचिव महोदय का एक पत्र था जिसमें लगभग 7 प्रक्रिया डिस्कस की। हमारे पास जो आरसीज हैं उनमें नंबर एक, जैसे ही आरसी हमारे पास आती है अमीन जाकर के जब कंज्यूमर को मौके पर टकराता है तो कंज्यूमर डायरेक्टली बिजली विभाग की तरफ भागता है और वहां जाकर के उसमें नहीं होता है कि साहब ये आरसी समाप्त हो गई। तो आप लोगों ने भी बताया कि ऐसा सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, जो आरसी जो आगे इन्होंने अपने लेवल पे किसी को रिवाइज कर लिया, इनके पास भी फैसिलिटी नहीं है कि उसको भी वापस ले ले। अभी सर इसको एक्शन प्लान आरसी का मिलान हो जाएगा तो वास्तव में मालूम हो जाएगा कि कौन सी आरसी अभी पेंडिंग है और कौन सी वसूल हो गई है। जब हमारे पास ये मिलान हो जाएगा कि सारी आरसी है जो वसूल तो हो गई लेकिन आपके सॉफ्टवेयर में कम पैसे पे अगर वसूल हो गई, जैसे 1 लाख रुपए की है और वो 10,000 रुपए को वसूल हो गई है, तो 10,000 डिवीजन है तो 10 अलग अलग ग्रुप बन जाएंगे। प्रत्येक ग्रुप में हम रहेंगे, तहसीलदार साहब, प्रेसिडेंट साहब और अमीन साहब रहेंगे, इनकी चेन के सभी ग्रुप रहेंगे, एक्शन साहब, प्रेसिडेंट साहब, ये ग्रुप हमारा कल तक तैयार हो जाएगा। भाई बंदे हम लोग अपना एक्शन प्लान डिसाइड करके मैक्सिमम 15 जून तक हमें इसको 50% पे लाना है। 137 करोड़ रुपए को 60 करोड़ जो पैसा है वो इतना नहीं है जितना साइड पर दिखाई पड़ रहा है, तो 15 जून हमारा लक्ष्य है। भाई मंडे हम अपना टाइम टेबल जारी कर देंगे मिलान का, और एक बार आप लोग लग करके मिलान करा देंगे तो 3-4 साल से, मैंने सर अभी आपको बताया था कपड़ाई मैम जब थी तब भी उन्होंने एम साहब को कहा था कि आपके जनपद में 105 करोड़ रुपए की आरसी है, तो साइट जब तक हम शुद्ध नहीं कर देंगे तब तक हमारा जनपद अनावश्यक खाई जाए करता रहेगा। विद्युत सखी आपकी मदद करेगी तो आप 1% उसको भी देंगे?
हमारे यहाँ पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। विद्युत सर की वो 1% देने का प्रावधान है ना, वो केवल बिल पर है सर। ये भी तो बिल है यार, रिकवर बिल है ना। देखिए इशू मैं बता रहा हूँ, इशू क्या है, आपके गांव में कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है जी। नहीं, आपका ना गांव में मोहल्ले में स्ट्रक्चर नहीं, इतने लोग तो कर नहीं पाएंगे। तो मैं कह रहा हूँ गांव का स्ट्रक्चर तो विद्युत सखी है जी। तो उसको आप वो मेहनत करेंगी, आप वसूली करने देंगी, आपका अमीन और विद्युत सखी टीम बना के वहाँ कर लेंगे सर। तो आप उनको 1% दे दो ना सर। सर उनको तो ऑटोमेटिकली जब बिल में पैसा है आज से दो तरह की आती है सर, एक हेल्प की अनाउंस करते हैं हम लोग, तो वो लोग मेहनत करेंगे। 70% तो मिलेगा अभी हम सक्सेस नहीं है ना। आप रेडियो का आपको बता रहे अभी जैसे व्हाट्सएप ग्रुप का अच्छा आइडिया बताया है, व्हाट्सएप ग्रुप से अमीन को ये लोग संपर्क करेंगे 1.25 करोड़ की, उसमें आप कैसे हल कराएंगे आगे के कार्य। कोई यही बताया मुझे क्या करने वाला आपके क्षेत्र में, कोई यही बताया आप क्या करेंगे अभी अगले 15 जून तक डेडलाइन दिया गया है, क्या किया करेंगे आपकी आशीष सुनने। इसमें एक बात सर और भी है जो अभी विशेष प्रकार में जो टाइमलाइन दिया गया है सर, जो भी डिवीजन से आरसी है सर, पहली बात सर ये कि जैसे आरसी अमीन के जाने के बाद कई सारे ऐसे कंज्यूमर हैं जिन्होंने आकर डायरेक्ट मोड में पैसा जमा कर दिया सर, वो पेटीएम से भी जमा कर रहे हैं, डायरेक्ट अकाउंट में भी जमा कर रहे हैं, तो हमने जो बकाया कहेंगे उसमें सर आरसी भेजा है, उसको तो हम अपने डिवीजन में अभी एक्सेल शीट बना सकते हैं कि इतने लोगों ने जमा कर दिया है, तो उससे तो सर कुछ पैसा मेरा मैनेज नहीं कुछ। मैं चाहता हूं कि उदाहरण के लिए 1000 आरसी जी सर, और मान लीजिए 20 अमीन है तो अमीन वार आपने आरसी किस किस के पास है, ये आपके आपके पास डेटा है नहीं है तो आप तहसीलदार या नायब तहसीलदार से ले लेंगे। ये पहला कदम, सभी जेई अपने आरसी को लेकर तहसीलदार नायब तहसीलदार से कोऑर्डिनेशन जरूर बनाएंगे अगले 1 या 2 दिन मैक्सिमम, और एक्शन साहिबान एडीएम साहब को बताएंगे कि आपका सारे जेई एसडीओ तक सबका कोऑर्डिनेशन हो गया है तहसील के साथ, फिर जॉइंट रेट का माइक्रो प्लान बन जाए, क्योंकि अमीन अकेला जाएगा कोई फायदा नहीं, आप अकेले जाएंगे कोई फायदा नहीं, माइक्रो प्लान बना दीजिए कि इस गांव में या इस मोहल्ले में इस दिन जाना है, ये इधर से जारी कर दीजिए। एसडीएम साहब एक्सएल साहब के साथ बैठ के माइक्रो प्लान आपको देंगे एडीएम साहब, आप अपने हस्ताक्षर से जारी कराइए कि इस मोहल्ले में इस दिन रेड होगा, रेड का शब्द दे दीजिए रेड।